हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो स्टूडेंट्स, डीपीपी 1 और डीपीपी 2 के आंसर्स मैं विद सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। डीपीपी 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, वाइट फास्फोरस की कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन होने पर जो गैस प्रोड्यूस होगी उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। एक्चुअली P4 वाइट फास्फोरस का फार्मूला है, उसकी कॉन्क HNO3 से रिएक्शन होने पर NO2 गैस प्रोड्यूस होगी। NO2 गैस जो है वो कलर्ड गैस है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस है और पैरामैग्नेटिक है। DPP2 में सिमिलर क्वेश्चन को डिफरेंट पैटर्न पे पूछा गया था कि एक वाइट कलर का सॉलिड है जो मिलिट्री पर्पसेस में ग्रेनेड्स और आर्टिलरी शेल्स में यूज होता है इल्यूमिनेशन पर्पस के लिए, तो वो भी वाइट फास्फोरस है। और एक्वा फोर्टिस, एक्चुअली HNO3 को ही एक्वा फोर्टिस कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर। तो P4 की रिएक्शन, वाइट P4 की रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेट HNO3 एक्वा फोर्टिस से कराएंगे तो H3PO4 आर्थोफास्फोरिक एसिड और NO2 गैस प्रोडक्ट के रूप में बनेंगे। NO2 गैस की जो एटॉमिसिटी है वो 3 है, मतलब X की वैल्यू 3 है। H3PO4 की जो बेसिसिटी है वो भी 3 है, ट्राई बेसिक एसिड है, Y भी 3 है और मॉलिक्यूलर वेट जो है उसका 98 है। तो आंसर आएगा 104। थैंक यू वेरी मच।